महिला आरक्षण बिल संसद में पास किए जाने पर बीजेपी ने कहा कि इस सपने को साकार करने में पीएम नरेंद्र मोदी की पहल को इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इस बिल का महिलाओं को 27 साल से इंतजार था तथा यह एक ऐतिहासिक युग की शुरुआत हुई। मैं मोदी जी को बधाई देता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने स्पेशल एक सेशन बुलाया, लोकसभा का सत्र बुलाया और उस सत्र में इस विधायक को लेके आए और इस बिल को पास करवाया। मित्रों, पिछले 27 वर्षों से ये बिल लटका हुआ था, लेकिन मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण, मोदी जी की जो सोच है महिला सशक्तिकरण के बारे में, उन्होंने 27 साल के बाद इस बिल को एक ऐतिहासिक, जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर था उसमें एक इतिहास रचा। मित्रों, वैसे तो केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा ही महिला उत्थान के लिए काम करते रहे, नारी शक्ति को वंदन, नारी शक्ति का अभिनंदन। जो महिलाओं को ये 33% का आरक्षण मिला है, इसमें हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं और साथ साथ में जो इस देश की 50% आबादी है, उनकी हमारी बहनें, उनको हम सभी अभिनंदन और उनको कोटि कोटि जो है बधाई देते हैं। मित्रों, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्र से लेके तो बूथ स्तर तक हमने आरक्षण रखा है 33% महिलाओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी पहले ही इस विषय में महिलाओं के साथ है, महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ है। और सोचा गया, कई लोग तो बिल भी फाड़ देते थे, उनके लोकसभा में आए बिल भी फाड़ देते थे, लेकिन 27 वर्ष के बाद एक इतिहास रचा है मोदी जी ने। और इतिहास को, जो हमारा लोकतंत्र का एक पुराना मंदिर था, उससे हम नए मंदिर में गए और वहाँ पे पहला जो विधेयक जो पास हुआ वो महिला सशक्तिकरण का हुआ। तो आप इस विषय में सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के विषय में कितना सोचती है। इस विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, निर्णय लिया गया। जैसे कि हम सब मातृशक्ति यहाँ बैठी है, सभी के लिए ऐतिहासिक पलों में ये बिल पेश किया गया 19 को और 20 तारीख को ये ऐतिहासिक निर्णय आ गया। सभी बहुमत से, मतलब सभी ने इसका समर्थन किया। बहुत ही ज़्यादा खुशी की और बहुत हर्ष की बात है कि मोदी जी के कार्यकाल में हम बहनों को इतना मान सम्मान मिला है, जो उन्होंने हमारे बारे में सोचा कि हम लोकसभा और विधानसभा में 33% लेडीज़, 33% हम बैठ सकती हैं, उसमें इलेक्शन में लड़ सकती हैं, हमें हर तरह से आरक्षण मिला है। जैसे अपने ही हिमाचल की विधानसभा लो तो 68 सीट में से हम 22 सीट्स पे लेडीज़ वहाँ पर बैठी, महिलाएं बैठी दिखेंगी। हमें तो बहुत ही खुशी हो रही है, ना कि सिर्फ राजनीति की तरफ से देख के नहीं, वैसे भी और तरफ से भी आरक्षण जो हमें मिला है 33%, उससे हम बहुत ही हर्ष का विषय है। हम मोदी जी का बहने, सभी बहने कोटि कोटि धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने, एक यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोच तो वो पहले से कर तो बहुत कुछ रहे थे, पहले से ही बहुत सारी, जैसे कि अभी राकेश शर्मा जी ने बताया कि बहुत सारी ऐसी योजनाएँ जो मोदी जी ने चलाई हुई हैं महिलाओं के लिए, तो बहुत सारी थी। अभी उस पर राखी पर ही उन्होंने एक तोहफा दिया था, सिलेंडर बहनों को एक और मिला था, उससे भी बहुत हर्षोल्लास से उन्होंने किया कि राखी के त्यौहार पर ये गिफ्ट मिला है। लेकिन अब उन्होंने ये इतना बड़ा 33% आरक्षण का जो बिल, जो विधेयक था, नारी शक्ति सम्मान के लिए जो उन्होंने ये अधिनियम पास हुआ है, इसके लिए हम दिल की गहराइयों से मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। पिछले कल ही हमने ढोल नगाड़ों से मिठाइयाँ बांटी, नाच गाना हुआ, मोदी जी का आभार व्यक्त किया। सभी बहनें अपने आप ही, वो अंदर से खुशी जो होती है वो खुशी हमने व्यक्त की और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त।
और बहुत मेरे को ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि इतनी बड़ी पार्टी जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, उसके हम सदस्य हैं, उसके हम ये हम काम कर रहे हैं, और हमें मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी बहनें करती हैं, धर्मशाला की बहनें, जिला की बहनें और पूरे हिमाचल प्रदेश की बहनें, धन्यवाद।